हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द हिंदू वोकैब। द फर्स्ट वर्ड इज बिहीमोथ। बिहीमोथ का मतलब देखिए, जब कोई चीज एकदम एक्सट्रीमली लार्ज हो, ह्यूज हो या और ज्यादातर पावरफुल हो, उसे हम कहते हैं बिहीमोथ, यानी कि विशाल का। द नेक्स्ट वर्ड इज रीआइटरेट। रीआइटरेट का मतलब होता है किस चीज को रिपीट करना, बार बार दोहराना या बार बार बोलना, उसे हम कहते हैं रीआइटरेट। द नेक्स्ट वर्ड इज रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, यानी कि चुस्त तंदुरुस्त। नेक्स्ट वर्ड इज ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली ग्रेट और स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड इज जॉसल। जॉसल का मतलब होता है भीड़ में धक्का मुक्की करना, उसे हम कहते हैं जॉसल। द नेक्स्ट वर्ड इज डिसडेन। डिसडेन का मतलब होता है, देखिए, एक फीलिंग होती है कि आपको कोई पसंद नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि वो पर्सन आपका रिस्पेक्ट या इंटरेस्ट कुछ भी डिजर्व नहीं करता, यानी कि तिरस्कार की भावना, उसे हम कहते हैं डिसडेन। नेक्स्ट वर्ड इज एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग एंथुसियास्टिकली, यानी कि प्रेम या प्रसन्नता के साथ किसी चीज को एक्सेप्ट करना, उसे हम कहते हैं एम्ब्रेस। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेंटिक। देखिए, फ्रेंटिक का मतलब होता है, देखिए, अगर आप किसी एक्टिविटी को या किसी चीज को अगर आप फ्रेंटिक डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि वो फास्ट है, एनर्जेटिक है, मगर अनकंट्रोल्ड है, यानी कि अत्यधिक उत्तेजित, उसे कहा जाता है फ्रेंटिक। नेक्स्ट वर्ड इज मिव। मिव का मतलब होता है एंग्री होना, अपसेट होना, यानी कि परेशान होना, चढ़ा हुआ होना, उसे कहते हैं मिव। नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रीग्यूइंग। देखिए, इफ यू आर इंट्रीक्यूड बाई समथिंग ना, तो मतलब कि आप है ना जानना चाहते हैं, आप उत्सुक है, आप रुचि रखते हैं किस चीज के बारे में और जानने के लिए, उसे हम कहते हैं इंट्रीक्यूइंग। द लास्ट वर्ड इज स्वीपस्टेक। स्वीपस्टेक का मतलब होता है, देखिए, एक फॉर्म है बेटिंग का, जहाँ पे विनर को ना सारा पैसा मिलता है, जहाँ पे जितने भी लोगों ने बेट पे पैसा लगाया है ना, तो एक ही विनर को सारा पैसा मिल जाता है, उसे हम कहते हैं स्वीपस्टेक्स। दैट्स इट। थैंक यू।